तो अभी खेत में नाश्ता भी आ गया है, यानी कि रोटी सब्जी आ गई है। तो है घिया और चना, और यहाँ पर देखिए चिल्ला यानी कि चिलोड़े और रोटियां भी हैं बहुत सारी। यहाँ पर हो रही है झंगोरे की मंडाई और चार जोड़े के बैल हैं। तो यह है मस्त गुरु का घर। पहाड़ों में ऐसी मदद दी जाती है सबको। बिल्कुल सही बात है, पहाड़ में जो युवा जो होते हैं वो शहरों की तरफ इसलिए भागते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि पहाड़ों में इतना रोजगार नहीं मिल पाता है। और खेती भी करेगा तो कितना करेगा आदमी, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर सुअर अलग है, भालू अलग है, बंदर अलग है, सारे नुकसान करने वाले जानवर है। हेलो दगड़ियों, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र नेगी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी सुबह के 6:30 होने वाले हैं और सूर्य देव जी अभी दर्शन देने वाले हैं। अभी देखिए ये पहाड़ी के पीछे से आएंगे और इस टाइम हम आ गए हैं खेत में। तो यहाँ हो रही है आज हल बवाई, यानी कि खेत को हम बा रहे हैं। तो देखिए देव मुद्राखंड के पहाड़ों में सुबह सुबह का नज़ारा। अभी सूर्य देव जी ने दर्शन नहीं दिए हैं। सबसे पहले धूप जाएगी, जो वो जाएगी सीधे माँ कालिंगा के मंदिर में, सीधे टॉप में जाएगी। तो कुछ ऐसा सीन है सुबह सुबह का, बहुत ही शानदार वाला। तो चलिए जी, फाइनली सूर्य देव जी ने दर्शन दे लिए हैं और आप भी कीजिए सूर्य देव जी के दर्शन सुबह सुबह के। तो कुछ ऐसा शानदार नज़ारा धूप वाला, पूरी लालिमा छाई हुई है देव उत्तराखंड के पहाड़ों में सुबह सुबह धूप की किरणों से। तो अभी लगे हुए हैं हल बाने में, यानी कि खेत में हल चलाने में, और भैंसा भी बा रहे हैं, पिताजी भी कुदाल कमाते हुए यानी कि मिट्टी को थोड़ा थोड़ा बराबर करते हैं। और इतना लंबा है खेत और इतना भी इसको बा लिया है उधर कोने से सीधे इधर तक। और अभी भी खेत के जो अंत छोरा वो दिख नहीं रहा है। तो अभी खेत में नाश्ता भी आ गया है, यानी कि रोटी सब्जी आ गई है। तो है घिया और चना, और यहाँ पर देखिए चिल्ला यानी कि चिलोड़े और रोटियाँ भी हैं बहुत सारी। तो अभी खाने का आनंद लेते हैं, और खेत में खाने का तो अलग ही मज़ा होता है। तो बहुत तेज हवाएं अभी चलती हुई, और बहुत ही तेज हवा की आवाज़ आप सुन सकते हैं, बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है। और सभी लोग लगे हुए खेतों में हल चलाने में, इधर भी और इधर भी। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज गए हैं 9, और खेत में काम करते करते हो गया हालत ख़राब। तो हमें इस नीचे वाले खेत को पूरा हल लगाना है अभी, और खेत में है सिर्फ मैं और भैया। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि दोस्तों जो कूट कमाने वाला होता है उसको खेत भी ठीक करना होता है पूरा खेत, और भाई साहब लगे हुए हैं, और बाकी इधर के लोग भी सभी लगे हुए हैं अभी, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है। और जो ये होते हैं ना मिट्टी के डॉले, यानी गोल गोल टाइप के हैं, इनको एकदम सैंपल करना होता है लगभग पूरा खेत। तो अभी सुबह के 10 बज गए हैं, और फाइनली हमने इस पूरे वाले खेत में हल लगा लिया है, और अब लग रहा है पाटा यानी कि जिसको ज्वाल बोलते हैं, और भाई साहब इसको लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से लगता है, और कई जगहों में तो ये पाटा हल से ही लगाते हैं लोग, और हवा बिल्कुल कम नहीं हो रही है, हवा बिल्कुल तेज होती जा रही है। तो कुछ ऐसा सीन दोस्तों आजकल पहाड़ों में। तो मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से पहाड़ के हर छोटे से बड़ी चीज़ दिखाता हूँ, और उसके बारे में जानकारी बताता रहता हूँ जितना हो सकता है। और बैल बिल्कुल थक चुके हैं क्योंकि धूप भी लग गई है। तो दोस्तों, अभी खेत से आने के बाद मेरे लिए ऑर्डर आया है घास सारने का। तो मैं जा रहा हूँ अभी रस्सी लेकर, जहाँ मम्मी लोग घास काट रहे हैं। तो यहाँ पर चल रही है घास की कटाई, और बहुत ज़्यादा घास अभी हमारे यहाँ पर रह गई है, ऊपर पूरा और ऊपर से नीचे भी पूरा, पूरी घास ही घास लगे हुए हैं अभी काटने वाले। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब भी काट रहे हैं। तो भाई साहब कैसे महसूस हो रहा है आपको? ऐसा क्या महसूस हो रहा है, हाथ बच्चे छेद हो गए। अरे कांटों से कांटों से हाँ हाँ
परेशान हो गई, हालत खराब, मतलब हाँ 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 बहुत सारे कुमर लग रहे हैं, क्या करें फिर। अब ऐसे है भाई पहाड़ी लाइफ, पहाड़ी लाइफ ऐसे है, तो क्या करें, कुमर ज्यादा है भाई। हाँ वो तो है ही। तो मुझे यहाँ से ले जाने भी घास ये हरी वाली देने के लिए, और यहाँ पर दो बड़े बड़े तुमड़े भी हैं घर ले जाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए ये तिल के पेड़ थे, पौधे तिल के पौधे, और इनसे सारे तिल गायब हो गए हैं, पूरे पेड़ पौधे खाली हो गए तिल के। तो कुछ ऐसे तिल थे इन पर और सारे गायब हो गए हैं, अभी पता नहीं कहाँ गए हैं, फिर चूहे ने खा लिए हैं, पर ऐसे लग रहे हैं जैसे काटे होंगे इनसे सीधे, या फिर एक गाय चूहा ही ले गया होगा, कुछ नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पर हो रहे हैं झंगोरे की मंडाई और चार जोड़े के बैल हैं, तो यह मस्त गुरु का घर। पहाड़ों में ऐसी मदद दी जाती है सबको। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज गए हैं और हम आ गए हैं घास हारने के लिए खेत में। तो ये रहा घास, और पिताजी भी आ गए हैं, भैया भी हैं। तो मैं अपने पहाड़ी भाइयों के लिए, जैसे कि हमारे भाई लोग, मैं इन सब के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। तो बात यह है कि हमारे भाई लोग, जैसे कि मेरे भाई लोग देखिए कि ये घर में, घर के काम में भी एक्सपर्ट हैं और जान जॉब करते हैं वहाँ भी एक्सपर्ट हैं। तो सभी पहाड़ी भाई लोग हमारे ऐसे ही हैं, क्योंकि उनको, उनने पहले यही काम किया अपने घर में, और मजबूरी थी कि उन्हें पलायन करना पड़ा, न जॉब करने के लिए जाना पड़ा। तो आप मेरे इस विचार से सहमत हैं भाई साहब, बोलिए। बिल्कुल सही बात है। तो अभी चाय पीने के बाद लग गए हैं घास बांधने पे, और मुझे और भैया को सारना है, बड़े भैया को और पापा को बांधना है। तो दोस्तों अभी रात के बज गए 8 और हम पहुंच गए घर में। तो दिन में हम एक टॉपिक पर बात कर रहे थे कि जैसे हमारे भाई लोग हैं, हमारे पहाड़ के सभी भाई लोग, कि शहरों में शहरों का काम भी बहुत बखूबी से आता है और पहाड़ों का भी। तो भाई साहब मेरे इस बात से कहां तक सहमत है, तो अपने राय देंगे आपको। बिल्कुल सही बात है, पहाड़ में जो युवा जो होते हैं वो शहरों की तरफ इसलिए भागते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि पहाड़ों में इतना रोजगार नहीं मिल पाता है, और खेती भी करेगा तो कितना करेगा आदमी, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर सुअर अलग है, भालू अलग है, बंदर अलग है, सारे नुकसान करने वाले जानवर है, ये सब खेती को नुकसान करते हैं। बाकी का क्या करेगा आदमी, और दिहाड़ी दूड़ी भी जो कभी कभार होती है, हमेशा तो रहती नहीं है, तो दिहाड़ी भी कभी कभी मिलती है, कोई योजना आ गई या किसी का कोई मकान है, किसी का कोई टेंडर कहीं कुछ हो, रोड का काम हो, तभी यहाँ दिहाड़ी मिलते हैं। बाकी यहाँ पे कोई रोजगार का कोई उचित साधन नहीं है जिससे कि आदमी अपनी जीव का यहाँ पे बिता सके, क्योंकि इसलिए आदमी यहाँ के जो पहाड़ से जो युवा प्लान करते हैं वो रोजगार के लिए शहरों में, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, कहीं भी हो, मतलब शहरों की तरफ भागते हैं ये रोजगार के लिए। बाकी यहाँ पे इतना खास कुछ है नहीं रोजगार का साधन, जो भी है ऐसी है, क्या करें, जाना पड़ता है। लेकिन हम तो पहाड़ों से, पहाड़ में ही पैदा हुए, पहाड़ों में हमारे बचपन गुजरा, इसलिए हमको यहाँ के सारे काम आते हैं, और हम शहरों में सिर्फ नौकरी के लिए जाते हैं, और बाकी तो साल में 6 महीने में हम घर को, घर आना हमारा बहुत जरूरी होता है, काम के सीजन में हमारा आना बहुत जरूरी होता है। थोड़े हमारे घर वालों को हेल्प मिल जाती है थोड़ा घर आने से, हम लोगों के यहाँ पे आने से, तो हम थोड़ा 15-20 दिन की जो भी छुट्टियां लेके आ जाते हैं, बाकी सुख दुख में जो भी आना जाना ये तो लगा ही रहता है। तो बहुत ही अच्छी बात कही भाई साहब ने, और आपने देखा होगा कि आजकल हमारे भाई लोग घर आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा, मतलब ब्लॉग भी बन रहे हैं और काम भी पूरा तरीके अच्छे तरीके से हो रहा है। तो आज का ब्लॉग करते हैं बन रहे हैं, अगर ब्लॉग पसंद आया आपको तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नरेंद्र नेगी मिलूंगा आपको अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय देव मुद्रा। शुभ रात्रि।